आईडी नीचे भाई, आईडी नीचे रखो, आईडी नीचे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना फरीदाबाद जिले में धारा 144 लगी हुई है और पांच या पांच से ज़्यादा लोग जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में दिशा निर्देश सब फोर्स को दिए हैं। और यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह हमारे पुलिस बल तैनात है और अच्छी मात्रा में पुलिस बल हमने लगाया है। आज सबकी मैंने मीटिंग की है, सबकी फोर्स की ब्रीफिंग की है और फोर्स का मोराल भी हाई है। और कल जैसे थोड़ा बहुत अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उसमें फरीदाबाद पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए एकदम ही उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। सर, 144 धारा परसों लगा दी गई थी, आपके कहने पर ही आपने रिक्वेस्ट की थी डीएम से, लेकिन क्या आपके पास इनपुट नहीं थे? बल्लभगढ़ तक आखिर कैसे पहुंच गया? क्या पुलिस की नाकामयाबी नहीं है यहाँ कहीं पत्थर तक? यहाँ देखो, पुलिस ने बहुत ही बढ़िया कल काम किया है कि जैसे ही हमारे पास खबर आई कि इस तरफ आ रहे हैं तो उसी समय पुलिस ने मुस्तैदी से उनको रोक लिया और सुबह उनके इकट्ठे होते ही हमने 65 उपद्रवी जो है वो गिरफ्तार कर दिए और जो उपद्रव मचाने वाले थे उनको 65 आदमियों को उसी समय हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई करके 157 करके उनको देर रात अपना रख के उनके सरपंचों और सबके जिम्मेवारी पे उन लोगों को कल रिलीज़ किया है बॉन्ड पे। तो और उसकी वजह से काफ़ी सरपंचों ने और सारे उनके घर वालों ने बहुत माफ़ी मांगी है कि भाई हमारे बच्चों से गलती हुई है। उसके अलावा जिन्होंने पत्थर, कुछ 15-20 लड़के जिन्होंने पत्थर हाथ में लिए थे उनमें से भी हमने गिरफ्तारियां कर ली हैं और बाकियों को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उनके घर दबिश दी जा रही है। अब पूरे एरिया में यही है कि लोग अपनी तैयारी में लग गए हैं क्योंकि फ्राइडे से तो अग्निवीरों की भर्ती शुरू है और उसमें मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं वो इस काम में या बिल्कुल भी लॉलेसनेस मचाने के उसमें बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि जिस नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हो अगर एक भी केस आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा तो सरकारी नौकरी तो क्या, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं लगेगी। तो इसलिए इतना अच्छा सरकार ने जो स्कीम निकाली है उसका सब भरपूर फायदा उठाएं और जो है इस पे अपना मामला दर्ज किया गया है। कल जो है 15-20 लड़के जिन्होंने पत्थर मारने की कोशिश की उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनमें से हमने गिरफ्तारियां भी कर ली हैं और बाकी भी जल्दी। लापरवाही किसकी है सर? लापरवाही किसकी है? चूंकि पहले इनपुट्स नहीं थे आपके पास में, 2000 से ज्यादा आप दावा करते हैं, नाकों पे पुलिसकर्मी तैनात हैं, फिर भी 50-60 लोग व्यक्ति आते हैं युवक और पथराव करके चले जाते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो फरीदाबाद पुलिस ने कल बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा कि इतनी क्विकली जो एक्शन किया है उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है कि किसी भी एक भी गाड़ी का शीशा तक नहीं टूटने दिया और एकदम उनको मौके से सबको पकड़ा है। लगी है सर आपके? तो वो बहुत ही अच्छा काम किया है सर। जिस तरीके से जो आरोप जो पकड़े हैं, जो प्रदर्शनकारी जो लड़के पकड़े हैं, इनके पास कहां से आई थी इनपुट, कौन था, इसका कोई पता चलता है कोई पूछताछ में? वो तो हमारे पास सारे, वो तो हम सारे इनपुट हमारे पास आ ही रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं और इस समय जिस भी जिले का जो भी इनपुट हमारे पास आता है वो सबसे हम एकदम इमीडिएटली शेयर कर रहे हैं। देखो, भड़काने वाले तो एज सच अब ऐसा कोई वो नहीं है, जो भी भड़का रहे हैं उनके खिलाफ ही मेन कार्रवाई की जा रही है और उनके घरों में भी दबिश दी जा रही है, चाहे वो किसी भी जिले के हों, उनके खिलाफ अब सख्त दबिश पूरे इंडिया में, जो भी इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। पकड़ाव के बारे में दोबारा एक बार चौकस आप भी दिखें सक्रिय, अगले दिन आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, क्या लगता है अभी और ऐसे इनपुट्स हैं कि युवा आ सकते हैं दोबारा? नहीं, हम ऐसा है कि अभी फरीदाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद अब थोड़ा और गांवों के सारे सरपंच और सब जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को काबू कर लिया है, रादर अब तो फरीदाबाद में बहुत शांति है और बच्चे भी अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो ऐसा ऐसे जब कोई इनपुट नहीं है लेकिन हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और हमारी पुलिस चप्पे पर तैनात है। सर, इंटरनेट सेवा कब तक रहेगी? नहीं, इंटरनेट सेवा कल चालू करा देंगे, तो अभी वैसे शाम को रिव्यू करेंगे एक बार इंटरनेट के बारे में और अगर अभी माहौल ठीक लगा तो शाम को इसका डिसीजन कर देंगे। आंदोलन जो है उभरू हुआ है, उसकी मेन वजह आपके
देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद थे विकास अरोड़ा जी, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कल जिस तरीके से बल्लभगढ़ के अंदर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और जिस तरीके से पूरे बल्लभगढ़ के अंदर और आसपास के शहरों में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, तो आज यहाँ पर आपको बता दें कि काफी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि और उसमें इस मीटिंग इनकी मीटिंग ली गई ताकि जो आगे की योजनाएं हैं, आगे की जो रणनीति है उसको तैयार किया जा सके। साथ ही में देखिए आप देख भी सकते हैं कि आसपास काफी ज्यादा जो भारी पुलिस बल है वो भी मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त हम बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर मौजूद है जहां पर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जो थे उन्होंने जितने भी पुलिस बल थे उन सभी की मीटिंग ली, क्योंकि किस जिस तरीके का उपद्रव हमने कल देखा कि जो अग्निपथ जो नई योजना सरकार की आई है उसको लेकर जिस तरीके से लोगों जिस तरीके से युवाओं के अंदर विद्रोह की भावना जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस तरीके की जो विद्रोहात्मक तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, देश के जो अलग अलग राज्य हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो इनके कई हिस्सों के अंदर जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं वो बिहार के अंदर इस योजना का विरोध किया जा रहा है। और हम लगातार पिछले 2-3 दिन से देख मंगलवार के बाद से जब से इस योजना का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही जितने लोग हैं जितने भी युवा हैं वो ज्यादातर जो युवा हैं वो देश के माहौल में को किस तरीके से गड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कितनी सारी जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर अभी इस वक्त हम मौजूद थे। यहां पर अभी आपने देखा कि पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जो थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी जो कल 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो भी लोग पत्थरबाजी के अंदर शामिल थे, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो पुलिस बल था और जितने भी लोग युवा थे वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, पुलिस पर भी पथराव किया गया था और कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई थी। उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने यह भी बताया कि उनको शाम तक रिहा भी किया गया और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन पर कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। साथ में जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी युवा इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होता है तो उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में उन पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हो सकता है कि उनको सरकारी नौकरी तो छोड़िए प्राइवेट नौकरी के लिए भी लाने पड़ सकते हैं, तो इसलिए जो जिसको भी अगर इस नीति का विरोध करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से करें। बाकी पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को अभी आपने सुना, बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं साथी मनोज के साथ शालिनी पांडे।